Right, hey guys, what everybody? It's show I go to blog back to make another new video, baby. तो ओके गाइस, कैसी मेरी फैमिली रहा है? बहुत बढ़िया होगी, बिंदास होगी, एकदम मस्ती में होगी. तो गाइस, मैं तो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका हूँ एकदम, मतलब ब्लॉग बनने का टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भाई. तो आज मैं ब्लॉग लेकर आया हूँ अपने दोस्तों के ऊपर. एंड मेरे दोस्त, दो दोस्त बने हैं मेरे नए, तो वो हवाई घुमाने लेके जा रहे हैं हमें, तो हवाई घूमते जाके. सो वही इन्जॉय करना पूरी वीडियो. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हवाई में जो भी देखेंगे सारी चीज़ें दिख जाएंगी आपको, सारी चीज़ें. दो तीन वीडियो बनाएंगे वहाँ पे जाके, हमने डिसाइड कर लिया पहले. तो सो वही चलते हैं, रेडी करते हैं, बस आने ही वाले होंगे. हम उठे हैं आज 11 बजे फिर से भाई. तो मैं आपको बता दूँ, 11 बजे उठे हैं हम और मेरे दोस्त आने वाले होंगे. 10 बजे का वादा करा था. सो वही अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, तो इसलिए तैयार हो जाते जल्दी से. सो तो भाई मेरे दोस्त आ गए, हम यहाँ से निकल गए अब सीधा नाली के लिए, हवाई घूमने के लिए. तो रास्ते में हम बहुत इन्जॉय करते रहे, ये इन्जॉय करते रहे. एक ट्रक हमारे सामने आ गया और फिर इसके साइड में से बड़ी मुश्किल से निकले हम रास्ता देख आके, वरना ये तो सामने से हट ही नहीं रहा था. ये हमारे दोस्त तीनों, हम तीनों एक ही बाइक पर एडजस्ट हो गए एकदम बढ़िया से. ये अपने बाल सेट करते हुए हम अब निकल चुके हैं अब आगे. तो देखो भाई कहाँ कहाँ से निकलना पड़ता है, बड़ी मेहनत से निकल ले हम तो यहाँ से. तो अब आगे देखते हैं, आगे हम आ गए हम नाल वाले रास्ते पे. ये नहर देखी हमने बहुत तगड़ी, ये हम तीनों दोस्त, ये बीच में तो बहुत बढ़िया दोस्त है हमारा, ये भी हंसता रहता भाई, ये भी हंसता रहता है, मैं भी हंसता रहता हूँ, मतलब मस्ती में रहते हैं जो भी रहते हैं. अब हम आगे गए, आगे जाते हुए व्यू देखते हुए सब जंगलों उंगलों का सबका भाई. फिर उसके बाद हमने फिर ने अपने बाल ठीक करे, बाल बार ख़राब हो रहे बार बार, मैंने ड्रायर नहीं लगाया. तो फिर हमें मिला जाम इतना सारा, ऐसा बहुत बड़ा जाम मिला हमें, हमने साइड में बाइक फंसाई, फिर हम सीधा चल दिए. तो भाई हम नाल वाले रास्ते पे ही अभी बहुत देर से बैठे हुए बाइक पे बोर हो गए और हमारा बाल बार बार बिखरे आ रहे, बिखरे आ रहे. हमने 10 बार बाल को सही कर लिया. फिर हमें मिली क्रेन, ये जीसीबी. फिर हमारे जो टूटा हुआ पुल मिला, फिर हम यहाँ से गड्ढे में उछल उछल के गए. फिर उसके बाद हमें दिख गए इतने बड़े बड़े खेत, हमें दिखी मस्जिद. हमने अपनी तरफ घुमाया फ़ोन और अपने दोस्त की तरफ भी घुमाया. हमारे बाल बहुत ख़राब हो गए थे तो हमने अपने दोस्त को दिखलाया. फिर उसके बाद हमने मस्जिद को दिखलाया आपको, खेत को देख देख के सीधा हम निकल गए बाहर की तरफ. अब यहाँ पर आ गए हम, बुग्गी देख ली हमने यहाँ पर. फिर उसके बाद हमने अपने चेहरे की तरफ करा, फिर हमने कुछ बोलने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ जहाँ वो मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड, तो इसलिए बोल नहीं पाए कुछ भी. तो हमारे साथ तो ये भाई बात करते हुए जा रहे हैं मज़े से. अब हम घुस चुके गांव में, गांव में घुसने के बाद फील होने लगा कि हवाई कब पहुँचेंगे. तो इसके बाद हम पहुँच गए एकदम पतली पतली गलियों में भाई. यहाँ पर तो बाइक चलाने में बहुत मुश्किल होती है, ये बच्चे ना एकदम साइड में आ जाते हैं. तो हम गए मज़े से दुआ पढ़ते हुए भाई. तो फिर यहाँ से भाई पतली पतली गली देख सकते हो तुम यार, इतनी पतली पतली गली. आगे जाके हमने फिर और कुछ भी देखा, तो भाई ये पतली पतली गली देखो, पहले ये देखो कितने छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं. यहाँ पर बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा झंझट होती है भाई, मतलब कोई बच्चा आ ना जाए बीच में रास्ते में. ये हमारा दोस्त हंसता ही रहता है, मैंने बताया जो बीच में जो हमारे दोस्त थे, ये भी बहुत बढ़िया है और ये जो बाइक चला रही है ये भी बहुत बढ़िया है. इसलिए हमने सीधा हम चल दिए फिर हवाई के लिए. फिर से हमने खेत वेत देखे, बहुत सारे खेत दिखते हैं यहाँ पर. एंड भाई यहाँ पर तो गड्ढे भी बहुत थे जहाँ पर हम जा रहे थे हवाई जाने के लिए, मतलब हमें हमारे बाल ऐसे उड़ रहे थे ना, तीनों जने ऐसे परेशान होकर गए. फिर हम पहुँचे हवाई, फिर हमने यहाँ पर लगाई पार्किंग में अपनी गाड़ी. पार्किंग में लगाने के बाद हम उतरे बाइक पर से, फिर हमारे भाई भी उतरे हैं. फिर कोई कह नहीं सकता ये स्कूल कॉलिंग करते हैं, लेकिन कॉलेज में पढ़ते भाई ये हमारे. इसके बाद हम घुस के अंदर, हम अंदर जा रहे चुपचाप भाई. ये देखी हमने पहले एरोप्लेन देख के हवेली देखी, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया था. नाइट व्यू तो बहुत बढ़िया होता है इसका, नाइट व्यू में कभी भी जाओगे बहुत बढ़िया लगेगा. ये हमारे दोस्त थे, ये आफ्ताब भाई है, ये हमारे भाई का नाम भूल गया हूँ मैं, तो बाद में बता दूँगा मैं आपको. ये हवाई जहाज देखा हमने और अंदर से दिखला देते हैं आपको, बहुत बढ़िया है रेस्टोरेंट. ये 200 रुपये इसकी टिकट है अंदर,
खाना मिल जाएगा इसका 200 रुपये में। तो भाई मेरा दोस्त बोल रहा है अंदर जाके देखते हैं थोड़ा, तो अंदर जाने के लिए तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे भाई, हमें पता नहीं था हम कुछ करेंगे भी वहाँ पर घूमेंगे, बस वीडियो बनाने गए थे हम तो वीडियो बनाने के बाद। तो हम मेरे दोस्त ने बोला कि अंदर का व्यू लो थोड़ा, तो हमने अंदर का व्यू लिया। ये गए हम अंदर, 1 2 3 यहाँ पर टिकट मिलती है काउंटर है टिकट का। ये पूरा हवाई है, पूरा देख सकते हो पूरा का पूरा कितना बड़ा बना रखा है, मतलब बहुत लोग आ जाएंगे इस हवाई में। फिर हम गए मैकडोनल्ड के पास, दूसरे वाले स्टारबक्स के वहाँ पर, तो वहाँ पर जाके हमने देखा इधर उधर बाएं बाएं रोड देखा, पहले तो रोड सही है क्रॉस करते हैं, फिर उसके बाद हम निकले सीधा। यहाँ पर हमने बहुत बड़ा मॉल देखा, मतलब बहुत बढ़िया मॉल था ये भी, स्टारबक्स का एक कैफे था ये भी छोटा सा। फिर हमने फिर से अपने बाल ठीक करे, यार बाल बहुत ख़राब होते हैं। ये हमारे भाई हैं दोनों, ये बाइक चला रहे हैं, बस थक गए भी भाई बाइक चलाते हुए। ये हमने देखा अंदर का व्यू आके भाई, बहुत ज़बरदस्त है, मतलब ये भाई हमें घुमाने आए। ये क्रिसमस आ रहा है भाई 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर को भी घर जाने का मूड बना लिया है, तो घर जाके बनाएंगे क्रिसमस। तो सो वो ये देख लो मॉल, आपको मॉल देखने को मिल जाएगा, पूरा मॉल देखने को मिल जाएगा आपको। ये आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, लेकिन भाई प्लास्टिक के आइसक्रीम तो क्या करो भाई बताओ। अब हम सीधा हमने दोस्तों को दिखलाया, हमने अपने दोस्तों से मुलाकात करो भाई, दोस्त बोलने लगे सीधा फिर अंदर चलते हैं भाई, फिर अंदर जाएंगे। अभी पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं, है ना भाई। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो भाई हम घुस गए टॉयलेट के अंदर, ये टॉयलेट के अंदर बाल ब्रेड कर ले लड़की को सेट करने के लिए भाई। और यहाँ पर हमें आ गई हंसी बहुत ज़्यादा, तो इनके बाल सेट नहीं हुए भाई अभी तक, सब जाते हैं टॉयलेट करने, ये जा रहे हैं बाल सेट करने, ये वाह भाई वाह, बाल सेट हो गए भाई, ये शाहरुख खान का पोज। सीधा निकले हम यहाँ से, फिर हम निकले यहाँ से स्टारबक्स की तरफ। यहाँ पर हमने एक वीडियो शूट करी अपनी छोटी सी, जो एक ही वीडियो शूट करी हमने, जो इंस्टाग्राम पर आ जाएगी कल परसों में। तो ये हमारे भाई है, बहुत ख़ास भाई है, ये भी हमारे बहुत ख़ास भाई है, अभी तक जहाँ पर भी जाएंगे हम इनके साथ ही जाएंगे। एंड ये देख लो अंदर का व्यू कितना बढ़िया है भाई, ये बाहर आके देखो स्टारबक्स का। ये हमने अपनी बाइक सीखी यहाँ पर, मतलब बाइक चलाई एक बार, आती है बाइक तो भाई, फिर भी एक बार ट्राई करी, ये स्लो मोशन में हमने वीडियो डाल दी वाली आ जाएगी। फिर हमने ये नहर देखी भाई साहब, ये आपताब भाई ने पता नहीं क्या क्या दिखलाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा दिखलाए जा रहे हैं। तो उसके बाद हमने ये नहर देखी, आफ्ताब भाई तो बोल रहे हैं तो बीच में चले जाओ, बीच में चले आओ गोलू भाई, बीच में चले आओ, लेकिन भाई हमें डर लग रहा था इसलिए हम गए नहीं। तो अगली बार जाएंगे, जिस दिन अच्छा फ़ोन लेके आएंगे उस दिन हम जाएंगे। सो वो अब आगे चलते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब करो। सो वो